वेलकम करता हूँ दोस्तों राइनोमैटिक्स क्लासरूम पे। चलिए आज हम लोग एक टी पॉट कैसे बनाया जाए वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ काओ को ड्राइंग कर लिया, ये इमेजेस मैंने ढूंढ लिया, नेट से ही ढूंढ लिया कि मुझे ये चीज़ बनाना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये मुझे कुछ काम की वजह से बनाना पड़ा, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे ही कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए आप लोगों को कौ ड्राइंग करना पड़ेगा, लेकिन मैं कौ ड्राइंग नहीं करूँगा क्योंकि मैं कौ ड्राइंग पहले किया। तो इसके लिए सरफेस कैसे बनाया जाए वो हम लोग आज देखेंगे। तो सरफेस बनाने के लिए सबसे पहले कौ को ड्राइंग करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं इसका यहाँ पे इसको ये मिडिल है और इसको यहाँ से भी मैं इतना ऑफसेट मार के एक दो कौ मुझे मिल गए। यहाँ से भी देखिए इसको एक प्लेट बनाने के लिए यहाँ पे गोल्डन प्लेट दिया गया। इसके लिए मैं यहाँ पे भी एक राउंड में बनाया और एक मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाया। इस प्रोफाइल को मैं इस्तेमाल करूँगा, इसको भी मैं एक प्रोफाइल बना लिया, ड्राइंग किया और 3D में जाके मैं देखता हूँ इसको कैसे होगा। तो 3D में जाके हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको इसके लिए टॉप से ये बना लिया, इसको और एक बार देखेंगे, इसको इस टॉप के लिए लिया। इसके लिए हम लोग कौ को ड्राइंग कर लिया, यहाँ पे इसका भी प्रोफाइल बना लिया, इसको भी प्रोफाइल बना लिया और एक कौ को अलग अलग कलर देने के लिए हम लोगों ने बना लिया। अभी इसका भी मैंने ड्राइंग किया और इसका भी प्रोफाइल बना दिया। तो एक एक करके मैं सरफेस बनाता हूँ, देखिए कैसे ये बनता है। पहले है कि ये जो है, ये जो प्रोफाइल है इसको मैं रिवॉल्व मार दूंगा। इसको मैं रिवॉल्व कैसे मारूंगा, तो यहाँ पे मैं सरफेस में जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे रिवॉल्व जीरो एंटर और मैं एक्सेस यहाँ पे देखिए एंड टू रिवॉल्व एक्सेस, मैं एक्सेस लाइन के यहाँ पे क्लिक कर गया और यहाँ पे स्पेस स्पेस। तो देखिए यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे इसका एक मुझे मैंने रिवॉल्व से एक सरफेस बना लिया। फिर ये भी मैं रिवॉल्व इस्तेमाल करूँगा, रिवॉल्व तो रिवॉल्व इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा जीरो एंटर ऊपर साइड एक्सेस में, ऊपर भी दे सकते हो नीचे भी दे सकते हो। मैं ऊपर क्लिक किया स्पेस स्पेस, दो बार स्पेस क्लिक किया। फिर इसको भी देखिए, इसको आए मैं टोटली सरफेस बनाया। आप चाहो तो इसको ऑफसेट मार के, यहाँ पे ऑफसेट मार के, तो मैं थोड़ा सा ऑफसेट मार के आप इसको सॉलिड भी बना सकते हो। तो इसको अगर सॉलिड बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे जाके थोड़ा इसको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ओके इसको थोड़ा मैं लॉक कर देता हूँ। और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके साथ ये ज्वाइन ही रहेगा, उसके साथ इसको मैं ज्वाइन कर लिया। फिर इसको मैं रिवॉल्व क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं रिवॉल्व क्लिक किया जीरो एंटर और ऊपर क्लिक करूँगा और स्पेस स्पेस हुआ। फिर इसको मैं पाइप भी बना सकता हूँ और यहाँ पे अगर प्रोफाइल चाहिए तो प्रोफाइल भी बना सकता हूँ। यहाँ पे अगर ये मैं यहाँ पे अगर टू पॉइंट में मैं यहाँ पे प्रोफाइल बना लिया, इसको देखिए थोड़ा रोटेट करना है, रोटेट करना है। 3D में गया, जाने के बाद मुझे देखिए यहाँ पे मुझे ए बाजू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा टॉप से जाके मैं इसको रोटेट कर लूँगा। और अगर यहाँ पे 3D में चाहिए तो फिर फ्रंट से भी मैं इसको रोटेट कर लिया। इसको भी मैं यहाँ पे दो कर्व और इसको लेके मैं डायरेक्ट एक दो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो सरफेस है वन व्हील अगर इस्तेमाल करोगे तो डायरेक्ट ये वाला वन व्हील क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर प्रोफाइल क्लिक करना, ये रेल है और ये प्रोफाइल है, और स्पेस मार दूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है। ये प्रोफाइल को मुझे मैं अगर चेंज कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो टू स्वीप टू का अगर इस्तेमाल करूँगा, अगर यहाँ पे स्वीप टू इस्तेमाल करूँगा इसके साथ ये वाला क्लिक करूँगा तो ये भी बन जाएगा, लेकिन स्वीप टू में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं रेल इस्तेमाल करूँगा, रेल वन रेल और प्रोफाइल
स्पेस स्पेस, ओके एक आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट अगर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, तो इसको डायरेक्ट पॉइंट लाने के लिए मैं पाइप ही बना सकता हूँ। इसको मैं कैसे पाइप बनाऊँगा, इसको कैसे यहाँ पे सॉलिड में जाना है और पाइप में जाना है, जाने के बाद कैप जो है ये फ्लैट है, राउंड करना है और ए वन वन, ये ज़्यादा हो गया 0.55, ये भी ज़्यादा हो गया 0.47, तो यहाँ पे ये भी स्क्रेट बन गया। इसके बाद आ गया ये वाला दोनों कर्व है और इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल है, तो ये मैं दोनों कर्व को लूँगा। लेने के बाद यहाँ पे स्वीप टू रेल और प्रोफाइल स्पेस स्पेस, ये भी एक सरफेस बन गया, इसको भी इस्तेमाल करूँगा। ये दो है, देखिए दो मैंने फ्रंट से ड्राइंग किया और 3D से मैंने यहाँ पे ओवल लिया, ओवल को मैं स्वीप टू इस्तेमाल करके मैं इसको भी सरफेस बना दिया। इसको भी सरफेस बनाने के लिए मैं रेल इस्तेमाल करूँगा, स्वीप रेल नहीं स्वीप टू सॉरी स्वीप टू इस्तेमाल करूँगा, तो स्वीप टू इस्तेमाल करने के लिए स्वीप टू रेल और इसको इस्तेमाल करूँगा, तो ये भी बन जाएगा। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसको मैं ऑफसेट मार देता हूँ, इसको मैं सॉलिड किया यहाँ पे और 0.3, तो इसका थिकनेस जो है पतला है, लेकिन आप लोग जब भी बनाओगे तो आपके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब इसको काटना है, इसको यहाँ पे गोल्डन प्लेट देना है, तो एक एक करके मैं इसको गोल्डन प्लेट काट के मैं इसका कलर मैं यहाँ पे दूसरा कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका जो कलर है मैं दूसरा कलर चेंज कर दूँगा, इसको भी मैं काटूँगा। काटने के बाद ये जो है ये मीना रहेगा, ज्वेलरी में अगर बनता है तो यहाँ पे खांचा मारना पड़ता है, तो मैं खांचा मारने का तरीका वो सीधा है, आप लोगों को पता होगा, सिर्फ मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनता है। बाद में आप लोग खांचा मारने का जो तरीका है बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को दिखाया गया, तो एक बार देख लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे हम लोग इसके ऊपर खांचा मारते हैं। इसको भी मैं स्वीप टू में काट रहा हूँ और इसको स्वीप टू में नहीं काट रहा तो इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, एक्सप्लोर स्वीप टू और इसको भी चेंज कर दिया। इसको भी मैं इसमें चेंज कर लिया और इसको भी मैं इसमें चेंज कर लिया, तो जब दोस्तों इसका जब भी जब कलर मैं डालूंगा इसको थोड़ा बढ़ेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा बढ़ेगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये जब तो ये जब मैं रेंडरिंग करूँगा तो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये जब रेंडरिंग में जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसका कलर जो है ये चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो सरफेस बनाने का जो प्रोसेस है कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए, और ये सरफेस प्रैक्टिस कीजिए। ये अलग अलग बहुत सारा रेल में काम किया मैंने, रिवॉल्व रेल में, तो इसमें बहुत कुछ बनता है। और ये वीडियोज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए, दूसरे को सीखने के लिए वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय, गुड नाइट।